आज में खास 107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज पर मैं अंकिता आपके लिए लाई हूँ आज में खास। तो आज का दिन है दोस्तों बहुत ही खास, क्योंकि आज है 16 जून जिस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। शायद आप लोगों ने पहले इसके बारे में ना सुना हो, क्योंकि रेमिटेंसेस ऐसी चीज है जिसको हम बहुत सीरियसली सोचते नहीं हैं, पर हम में से कई लोग इस आय पर निर्भर हैं। इस वक्त ये दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि ये दिन उन 200 मिलियन वर्कर्स द्वारा अपने ऊपर निर्भर 800 मिलियन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। ये 200 मिलियन लोग अपने घरों से निकलकर दूसरे देशों और शहरों में जाते हैं और वहां से अपने परिवारों को जमा पूंजी भेजते हैं जिस पर वे निर्भर हैं। उत्तराखंड में रहते हुए इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधु रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों और देशों में जा बसे हैं और वहां से अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे उनका जीवन यापन होता है। पर इस मुश्किल दौर में ये सभी लोग और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे अधर में लटक चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भविष्यवाणी की है कि ये रेमिटेंसेस इस बार कम से कम 20% तक गिर सकते हैं, जिसका बहुत बुरा असर माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली पर पड़ेगा। आज के दिन यूनाइटेड नेशंस की ये कोशिश है कि रेमिटेंसेस यानी कि इस प्रेषण आय पर निर्भर लोगों, देशों और समुदायों के बारे में जागरूकता फैलाएं। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य यह भी है कि सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, समाज सेवी संस्थानों और आम लोगों को रेमिटेंसेस के बारे में, उनको कमाने वालों के बारे में और उन पर निर्भर लोगों के बारे में जागरूक करें। आज के दौर में जब हम अपने देश में और विदेशों में माइग्रेशन और माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति को देख रहे हैं, हमें ज़रूरत है न सिर्फ इस दिन के बारे में जानने की, बल्कि इस आय पर निर्भर लोगों के प्रति संवेदना जगाने की।